हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप ये पांच चीजें कर लेते तो आपका चैनल जो है जल्दी से जल्दी ग्रो होने लगेगा एंड आपका जो है यूट्यूब जो है रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहला जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका जो चैनल है वो रैंकिंग पे कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम एक सेटिंग चेंज करेंगे ताकि आपका वीडियोस जो चैनल जो है वो रैंकिंग पे आ जाए। तो आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं या किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो है, उसके ज़रिए आप हम जो है कीवर्ड वगैरह चेंज करेंगे। तो उसके लिए सेटिंग पे जाएंगे और दिखाते हैं आपको कौन से कीवर्ड लगाना है, किस तरीके का चैनल है, उस हिसाब से आप कीवर्ड लगाएं। मेरा लैपटॉप यूज़ करो, आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र में जाके। सो यहाँ पे जाएंगे हम कस्टमाइज चैनल, चैनल खुलने के बाद कस्टमाइज चैनल, देन यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चैनल पे जाएंगे। फिर चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ लगा के रखा है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आप आपका चैनल किस टॉपिक में है उस टॉपिक बेस आपका जो है कीवर्ड जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आपका जो चैनल है वो रैंकिंग पे आ जाए। जैसे आपका चैनल यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपका चैनल जो है रैंकिंग पे रहेगा, अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करते हैं तो। और अगर आपका जो वीडियो से इस रिलेटेड होगा तो आपका वीडियो जो है लोग सर्च करेंगे तो सजेस्ट में भी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये कीवर्ड जो है अगर आप लगाते तो आपका चैनल रैंकिंग पे जाएगा, फिर आपका जो वीडियोस जो है वो सजेस्ट में भी आ सकता है। ओके सो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब सारे नए यूट्यूबर्स के लिए। ओके सो एंड दूसरा जो है उसके लिए बात करते हैं अभी। अभी बात करेंगे सेकंड स्टेप्स की। अगर आपने कीवर्ड वगैरह जब सेट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका चैनल नया है तो आपका जो चैनल नया है तो अगर आप चैनल का जो बैनर है वो आप अच्छे से रख सकते हैं एंड चैनल का जो लोगो है वो आप अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई विजिट करेगा आपका चैनल पर तो वो इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए कि आपका चैनल जिस तरीके का है। तो मैं मेरा जो लोगो वो दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है बैनर मैंने लगाया है यहाँ पे, एंड ये जो है मैंने सेट किया है ये मोबाइल की, अगर आप मोबाइल में भी यूज़ करते तो फुल दिखाएगा। सो मैं जो यहाँ पे लगा के रखा तो मोबाइल भी यूज़ के लिए, तो आप अपना डेस्कटॉप भी यूज़ भी लगा सकते हैं, पूरा साइड में जो दोनों ब्लैंक है वहाँ पे भी आप फुल कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं इसलिए मैं मोबाइल का भी यूज़ लगा के रखा हूँ। एंड यहाँ पे देखते हैं मेरा जो छोटा वाला जो है लोगो भी मैं सेट करके रखा हूँ, तो ये दोनों अभी कभी मत ब्लैंक मत रखिए, क्योंकि अगर आपका चैनल नया हो तो ये ज़रूरी है कि आपका बैनर अच्छे से रहे एंड जो लोगो है वो भी अच्छे से दिखे, तो ये लोगों का आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा एंड जो भी आएगा तो आपका चैनल विजिट करेगा वो सब्सक्राइबर करेगा। एंड साथ ही साथ आपका जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सही होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। अबाउट यहाँ पे देख सकते हैं, अबाउट अबाउट पे जाके ये जो मैंने फिल करके रखे तो यहाँ पे भी आप फिल कर सकते हैं आपका वीडियो किस टॉपिक में है, किस रिलेटेड है, तो जो भी आपका चैनल विजिट करेगा तो उनको पता चलेगा कि आपका वीडियो किस रिलेटेड होगा एंड कब कब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनको पता रहेगा। तो आपका जो भी कोई विजिट करेगा आपका चैनल सब्सक्राइब करके रखेगा। बात करेंगे तीसरा पॉइंट का। तीसरा पॉइंट का जो है वो कुछ लोगों के लिए इंप्रेशन रहता है कि अगर आपका चैनल जो है नया है तो आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रख सकते हैं, मिनिमम आपको 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप उसको शो कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपका चैनल विजिट करेगा तो आपका सब्सक्राइबर नहीं रहेगा तो उनको लगेगा कि आपका बड़ा चैनल है और सब्सक्राइब करके जाएंगे, नहीं तो आपका जो है सब्सक्राइबर देख के लोग मतलब सब्सक्राइब नहीं करेंगे कि चले जाएंगे। ओके सो ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नया चैनल यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपका जो है सब्सक्राइबर शो अप कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपका जो चैनल वो सब्सक्राइब करके जाएंगे लोग। आप अपने सब्सक्राइबर और कैसे हाइड कर सकते हैं, आपका जो सब्सक्रिप्शन चैनल है वो भी कैसे हाइड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोबाइल से भी डायरेक्ट कर सकते, आपको सिर्फ सेटिंग में जाना है, लोगों के ऊपर क्लिक करना है, देन सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी में जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, प्लेलिस्ट एंड सब्सक्रिप्शन, कीप ऑल माय सेव प्लेलिस्ट, आपका आप जो भी प्लेलिस्ट है देखते हैं वगैरह वो आपको लुक देख नहीं पाएंगे, एंड कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, आपका जो जितने भी सब्सक्राइबर है वो आप प्राइवेट यहाँ पे करके रख सकते हैं। अगर आप ये दो ऑप्शन कर लेते तो आपका सब्सक्राइबर हाइड रहेगा एंड आपका जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो भी हाइड रहेगा, तो लोग देख नहीं पाएंगे कि आप यूट्यूब में क्या सर्च करते हैं और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी नहीं देख पाएंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छा रहेगा और आपका जो है चैनल ग्रोथ होने में जल्दी से जल्दी मतलब चांस अच्छा रहेगा। सो बात करेंगे चौथा पॉइंट का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे यूट्यूबर्स, नए जो यूट्यूबर्स उनके लिए, अगर आप किसी भी वीडियो डालते हो तो जिस तरीके का वीडियो है उस जैसे कि
वीडियो टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आपका किस टॉपिक के रिलेटेड आपका वीडियो है, एडुकेशन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या ब्लॉगर के हिसाब से पीपल एंड ब्लॉग्स है। तो अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं उस रिलेटेड, तो आपका वीडियो टॉपिक जो है वो आप अच्छे से डालिए ताकि आपका जो है वीडियो सर्च में आने लगे, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीडियो जैसे कि ब्लॉग के लिए तो आप डालेंगे पीपल एंड ब्लॉग्स, अगर आपका साइंस एंड रिलेटेड है तो आप डालेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह डाल सकते हैं, या आपका जो है न्यूज़ वगैरह के लिए तो न्यूज़ डाल सकते हैं, एंड आपका जो एडुकेशन रिलेटेड है तो आप एडुकेशन में डाल सकते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ वीडियो अपलोडिंग के टाइम। सो जब भी आप वीडियो डालते हैं तो वीडियो टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे हम आ गए अपना चैनल पे, एंड देन यहाँ पे मैनेज वीडियोस पे जाएंगे। मैं मेरा पुराना वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ एडिट करके। आप जब भी कोई नया वीडियो डालते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं एडिट पे क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे अगर आप मोबाइल से अपलोड करते हैं तो आपको एडवांस सेटिंग रहेगा, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे नीचे आ गया, एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मेरा वीडियोस कैटेगरी है वो किस चीज़ में है। तो मैं यहाँ पे एडुकेशन डाल चुका हूँ, एडुकेशन डाल के रखा हूँ। सो अगर आपका गेमिंग है तो गेमिंग डाल सकते हैं, मतलब किस रिलेटेड आपका वीडियो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कैटेगरी रिलेटेड। अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो वीडियो आपको सजेस्ट में आने का चांस रहता है, जब भी कोई आपका सर्च करेगा उस टॉपिक पे तो आपका वीडियो जो है वो शोइंग सर्च बार में जल्दी से जल्दी आ जाएगा, एंड आपका वीडियो जो है वायरल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ओके सो बात करेंगे अभी लास्ट पॉइंट का, 5 पॉइंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते तो आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ होने में चांस रहेगा। तो बात करते हैं नंबर 5 का, इसमें अगर आप एक नया यूट्यूबर है तो आपका जो सब्सक्राइबर उनके लिए इंप्रेशन बढ़ाने के लिए आप ये 2 सेटिंग करेंगे तो आपका जो है सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। ओके सो आगे बढ़ते वीडियो में। सो जैसे कि मेरा ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने वीडियोस जो है वो, अगर आप मेरा चैनल कोई भी ओपन करता है तो ये मेरा वीडियो शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये आप अपने चैनल पे सेटअप कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर्स चैनल पे जाना है, चैनल ओपन करने के बाद ये आप क्रोम ब्राउज़र से कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में डायरेक्टली नहीं होगा। अगर क्रोम ब्राउज़र में डाएंगे एंड डेस्कटॉप मोड करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर कर का वीडियो स्पॉटलाइट, अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मेरा जो वीडियोस होम पेज में है ये आपको ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रिमूव या चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो। ओके सो यहाँ पे अपना जो इंप्रेशन वो डाल सकते हैं, कौन सा वीडियो आपका किस टॉपिक रिलेटेड है। तो आप अगर आपका कोई न्यू विजिटर या न्यू सब्सक्राइबर आपका चैनल विजिट करता है तो उसको अच्छा लगेगा देख के कि आप किस रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो आपका चैनल जो है वो क्लिक करेगा, देखेगा एंड सब्सक्राइब करके जाएगा। एंड ये डेस्कटॉप मोड में है, फीचर्स वीडियो अगर आप उसमें करते हैं तो आपका जो है वो दिखेगा उस पर। ओके सो ये 2 सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब, अगर आपका चैनल नया है तो न्यू सब्सक्राइबर जो भी रहेगा आपका चैनल जो है सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो ये अगर 5 चीज़ें कर लेते तो आप अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएंगे यूट्यूब में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।